बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफ्फाज बॉयज सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। दिस इज़ द वीडियो सेशन ऑफ माय इंग्लिश बुक 6 फॉर क्लास 6। इन लास्ट वीडियो वी लर्नड अबाउट एक्सरसाइजेस एंड देयर एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिट नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइजेस को एक्सप्लेन किया था और उनके मुताबिक उनको सॉल्व करने का आपको तरीका बताया था। टुडे वी विल लर्न अबाउट हाउ टू मेक सेंटेंसेस एंड वी विल डू एन एक्टिविटी ऑफ स्पीकिंग। आज की वीडियो में हम सेंटेंसेस बनाने का तरीका एक बार फिर सीखेंगे। अगरचे हम प्रैप क्लास में इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते आए हैं, उसका रिव्यू भी हो जाएगा और आपको मज़ीद भी क्लियर हो जाएगा, और इसके साथ साथ हम एक स्पीकिंग एक्टिविटी करेंगे। सो माई स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एन एक्टिविटी फॉर स्पीकिंग। स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं और स्टार्टिंग में सबसे पहले हम स्पीकिंग एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद फिर हम सेंटेंसेस के बनाने का तरीका सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्पीकिंग एक्टिविटी के लिए हमारी माय इंग्लिश बुक 6 का पेज नंबर 11 आपके सामने होना चाहिए, और इस पेज 11 पर देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है सीक एंड रिस्पॉन्ड टू परमिशन, कि जब कोई इजाज़त मांगेगा हमसे तो उसको किस तरह से जवाब देना है या किस तरह से इजाज़त मांगनी है। एक्टिविटीज़ तरह हैं, इन पेयर्स प्रैक्टिस द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन। पेयर बना के हम इस एक्टिविटी को करेंगे, इस कॉन्वर्सेशन को हम करेंगे। उसका तरीका क्या होगा? फर्स्ट, वन स्टूडेंट शुड प्ले द रोल ऑफ आमना। चूँकि इसमें दो करेक्टर्स हैं, एक आमना और एक सादिया, तो एक स्टूडेंट आमना का करेक्टर प्ले करेगा एंड द अदर वन शुड प्ले द रोल ऑफ सादिया, और दूसरे स्टूडेंट को सादिया का रोल अदा करना चाहिए। देन चेंज रोल्स एंड रिपीट द डायलॉग्स। फिर रोल्स चेंज कर लेंगे, जो सादिया का रोल अदा कर रहा था वो आमना का रोल अदा करेगा, और जो आमना का रोल अदा कर रहा था वो सादिया का। स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं अपने घर में, अपने ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ, या आपकी मदर अगर फ्री हो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होगी और इस एक्टिविटी में हम कुछ बातें भी सीखेंगे, ठीक है? तो चलिए मैं इसकी एक्टिविटी की आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूँ, फिर आपने ये एक्टिविटी खुद करनी होगी घर में, और फिर आपने मुझे मैसेज के थ्रू बताना होगा ग्रुप में कि आपने एक्टिविटी करी तो आपको कैसा लगा। एक्टिविटी में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो भी शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आमना का डायलॉग है। आमना ने कहा, लुक एट मी, सी हाउ फास्ट आई कैन रन ऑन द मेन रूट। आमना ने अपनी सहेली सादिया से कहा, मेरी तरफ देखो, मैं कितनी तेज़ दौड़ सकती हूँ रोड पर, मेन रोड पर मैं कितनी तेज़ दौड़ सकती हूँ। अब सादिया ने अपनी सहेली के इस बात पर कहा, यू मस्ट नॉट रन ऑन द मेन रोड, इट्स अगेंस्ट द लॉ। क्या कहा उसने? तुम्हें रोड पर नहीं दौड़ना है, मेन रोड पर तुम्हें नहीं दौड़ना है, मना है मेन रोड पर दौड़ना। क्यों? क्योंकि ये कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है, कानून के अगेंस्ट है ये। उसकी बात पर आमना ने कहा, हाउ अबाउट वॉकिंग, तो चलने के बारे में क्या ख्याल है, यानी क्या चलना भी मना है रोड पर? तो सादिया ने कहा, यू मस्ट नॉट, तुम्हें चलना भी नहीं चाहिए, यू मस्ट वॉक ऑन द साइड, मेन रोड के बीच के बजाय तुम्हें कहाँ चलना है, साइड पर चलना है, एक तरफ चलना है रोड के, रोड के बीच में नहीं चलना है बल्कि एक तरफ चलना है। वेयर यू कैन सी
द ट्रैफिक कमिंग, जहाँ पर तुम आती हुई ट्रैफिक को देख सको। अगर किसी को ट्रैफिक में ही रोड क्रॉस करना है तो पहले क्या उसको देखना होगा, ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वही वो अपनी सहेली को समझा रही है। आमना ने कहा, ओह यू मस्ट नॉट स्टॉप मी, तुम्हें मुझे रोकना नहीं चाहिए। लेट मी इन्जॉय माई सेल्फ, मुझे लुत्फ़ानंदोज़ होने दो, मुझे अपने मर्ज़ी से कुछ भी करने दो। सादिया ने कहा, यू मस्ट फॉलो दीज रूल्स फॉर योर सेफ्टी, कि तुम्हें इन रूल्स को फॉलो करना है, तुम्हें इन कवानीन को मानना है अपनी हिफाज़त के लिए। फॉर योर सेफ्टी, अपनी हिफाज़त के लिए, मतलब इन रूल्स को फॉलो करने का तुम्हें ख़ुद फ़ायदा होगा। अब जब सादिया ने आमना को ये बात समझा दी तो अब आमना ने कहा, यस आई नो आई मस्ट ओबे द रूल्स, हाँ मुझे पता है मुझे लाजमी तौर पर रूल्स को मानना चाहिए। थैंक यू सादिया, उसने कहा तुम्हारा बहुत शुक्रिया सादिया। नाउ स्टूडेंट्स, इट इज़ योर टर्न टू डू दिस प्रैक्टिस विद अनदर पर्सन। स्टूडेंट्स, अब आपको मौका दिया जा रहा है कि आप वीडियो को एक दो मिनट के लिए पॉज कर दें और आप अपने किसी भी घर के फ़र्द के साथ, आपके सिस्टर भी हो सकते हैं, ब्रदर भी हो सकते हैं, आपकी मदर भी हो सकती हैं, फादर भी हो सकते हैं, इनमें से जो भी फ्री हो वो आपके साथ सिर्फ 5 मिनट ये एक्टिविटी कर सकते हो, तो आप ज़रूर उनके साथ ये एक्टिविटी प्ले करें, फिर उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस में आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा कि मैंने सेंटेंसेस की 2 टाइप्स आपको बताई हैं। पहली टाइप है नाउन प्लस एडजेक्टिव सेंटेंसेस, उसमें दो तरह के सेंटेंसेस हैं, दिस इज, दैट इज, दीज आर एंड दोज आर। इन ब्लैंक्स में आप ओनली नाउन्स भी यूज कर सकते हैं और इन नाउन्स के साथ एडजेक्टिव्स भी यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 नाउन्स भी लिख के रखे। देखिए यहाँ पर नजर आ रहे हैं 5 नाउन्स। इसके बाद एडजेक्टिव्स में से भी मैंने 1, 2, 3, 4 एडजेक्टिव्स भी लिख दिए। तो इनमें आप नाउन्स को भी यूज कर सकते हैं सिर्फ, और इन नाउन्स के साथ आप अगर चाहे तो नाउन प्लस एडजेक्टिव, तो यही आप एडजेक्टिव लगाएंगे उसके बाद नाउन लगाएंगे, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप जो आपको नजर आ रही है बोर्ड पर वो है वर्ब सेंटेंसेस की। उसमें आप देख रहे हैं कि ये यहाँ लिखा हुआ है वर्ब सेंटेंसेस, मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम वर्ब्स को ऐड कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 मैंने सिर्फ एग्जांपल दिए, आपको याद होगा हमने पढ़ा था ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे प्रोनाउन हमने पढ़े थे। इसमें से ही, शी, इट के साथ इज आता है, आई के साथ मैम आता है, और इसके बाद वी, यू और दे के साथ आर यूज होता है, ठीक है। तो इन ब्लैंक्स में आप कोई सा भी वर्ड यहाँ से लेकर लिखे, देखिए यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं चैटिंग, ईटिंग, रियलाइज एंड राइट, तो इनमें से कोई सा भी वर्ड आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स डू सम प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम नाउन प्लस एडजेक्टिव वाले जो टाइप है इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जो स्टाइल है ना सेंटेंस बनाने का, तो मैं आपको बोर्ड पर दिखाता हूं। जी स्टूडेंट्स, अब आपको बोर्ड पर नजर आ रहा होगा मैंने यहाँ पर एक वर्ड जो नाम था बुक, उसको मैंने यूज किया, दिस इज अ बुक, दैट इज अ बुक, दीज आर बुक्स, those are books, ये आपको याद होगा हमने प्रैप में पढ़ा था कि जब एक से ज्यादा, that means plural को हम use करेंगे
इसका मतलब ये चीज सामने वाली और ही इसका मतलब सामने वाली एक से ज्यादा चीजें और इस सिंगुलर में एक तो लगा जिसमें और प्लीज के साथ आर लग रहा है प्लूरल में जब ये आर प्लूरल है तो आप बुक नहीं लगेगा यहाँ पर बुक्स लगेगा ठीक है आप बुक का मतलब है एक किताब और बुक्स का मतलब बहुत सारी किताबें दीज आर बुक्स दोज आर बुक्स फिर इसी तरह मैंने हैज हैव वाले में यूज किया आई हैव अ बुक दे हैव बुक्स शी हैज अ बुक It has a book. इसी तरह आप अगर वर्ड में चेंज कर लें प्रैक्टिस के लिए तो हम पेंसिल वर्ड इसमें रखते हैं तो हम यहाँ देखें दिस इज अ बुक के बजाय हम यहाँ पेंसिल रखते हैं दिस इज अ पेंसिल दैट इज अ पेंसिल दीज आर पेंसिल्स दोज आर पेंसिल्स इसी तरह यहाँ पर आई हैव अ पेंसिल दे हैव पेंसिल्स She has a pencil. It has a pencil. Students, आपको कुछ क्लियर हो गया? अब जो हमारे ये वर्ड्स हैं, इनको भी हम इसमें यूज करते हैं आपके सामने मैं इसको लिखकर दिखाता हूँ Dear students, अब मैंने यहाँ पर इन्हीं सेंटेंसेस में वो वर्ड लिखा है जो की वर्ड्स में हमने यूनिट नंबर वन में अपनी नोटबुक में लिखा था ट्रैश यहाँ से नाउन में से उठाकर ये वर्ड यहाँ पर लिख दिया देखिए सेंटेंस बन रहा है दिस इज ट्रैश दैट इज ट्रैश दीज आर ट्रैश दोज आर ट्रैश आई हैव ट्रैश दे हैव ट्रैश शी हैज ट्रैश इट हैज ट्रैश ट्रैश एक ऐसा वर्ड है जो अनकाउंटेबल नाउन है इंशाल्लाह नाउन्स की टाइप में मैं आपको पढ़ाऊंगा ठीक है इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड जो हमने की वर्ड्स में लिया था वो रैपर एक और वर्ड है रैपर जो हम की वर्ड्स में लिख चुके चलिए इसको लगाते हैं यहाँ पर दिस इज अ रैपर दैट इज अ रैपर दीज आर रैपर्स दोज आर रैपर्स I have a wrapper, they have wrappers, she has a wrapper, it has a wrapper. So students, आप देख रहे होंगे कि हमने जिस तरह trash यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे ही हमने wrapper को भी यहाँ पर sentence में fit करने का fix करने का तरीका सीख लिया है Last word हमारे पास की words जैसे है be, इसको भी हम यहाँ पर लगाने की प्रैक्टिस कर लेते हैं चलिए मैं बोर्ड पर भी इसको लिख देता हूँ वरना जिस तरह हमने रैपर के वर्ड में प्रैक्टिस की थी कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डू सम मोर प्रैक्टिस हमने वर्ड ले लिया हीप दिस इज अ हीप दैट इज अ हीप दीज आर हीप्स दोज आर हीप्स I have a heap, they have heaps, she has a heap, it has a heap. Last time मैं इसी में practice कराऊंगा और मैंने आपको बताया था कि हम noun के साथ adjectives भी use कर सकते हैं तो मैं आपको यहाँ पर practice के लिए एक noun और उसके साथ एक adjective लगाकर बता देता हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो जाएगा नाउ स्टूडेंट्स वी हैव अ नाउन विद एन एडजेक्टिव अब हमारे पास नाउन के साथ एडजेक्टिव ये देखिए दिस इज यहां से हमने ले लिया न्यू दिस इज अ न्यू बुक मैंने यहां पर आ नहीं लगाया मैं ऐड कर देता हूं जी अब मैंने ऐड कर दिया दिस इज अ न्यू बुक देखिए मैंने एडजेक्टिव को नाउन से पहले लगाया बुक नाउन है और न्यू एडजेक्टिव है तो मैंने न्यू को लगाया पहले और उसके बाद फिर यहाँ पर हमने बुक को लगा दिया दिस इज अ न्यू बुक दैट इज अ न्यू बुक दीज आर न्यू बुक्स दोज़
आर न्यू बुक्स, इसमें आर इसलिए नहीं लगाया कि प्लूरल है और प्लूरल की वजह से बुक के साथ एस लग गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले जो ये हैज हैव वाला सेंटेंस है, इसमें मैंने यहाँ पर से एडजेक्टिव यूज किया हाई स्पिरिट्स, और ये एडजेक्टिव जो है ये हमारे पास हमारी बुक वन के जो हमने की वर्ड्स पढ़े थे उन की वर्ड्स में से एक की वर्ड ये भी है हाई स्पिरिट्स, इसकी मीनिंग मैंने आपको लिखवाई थी जिंदा दिली। तो देखिए मैंने इसको सेंटेंस में कैसे यूज किया, आई हैव हाई स्पिरिट्स, दे हैव हाई स्पिरिट्स, शी हैज हाई स्पिरिट्स, इट हैज हाई स्पिरिट्स, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं सेंटेंस में टाइप नंबर टू की तरफ, जो कि वर्ब के सेंटेंसेस हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब हमारे सामने वर्ब्स के सेंटेंस की प्रैक्टिस है और मैं यहाँ पर एक वर्ब लिख चुका हूँ। वर्ब्स में से हमने चैटिंग वर्ब यहाँ लिख दिया, उसकी वजह यह है कि चैटिंग वर्ब भी हमारे की वर्ड्स में से एक वर्ड है। यूनिट नंबर वन के की वर्ड्स में से हम कॉपी में बाद, और वो होम टास्क ये है कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है कॉपी के अंदर हमने वर्ड्स इंग्लिश मीनिंग उर्दू मीनिंग लिखे थे, और मैंने उस वक्त भी बताया था कि हमें ऐसे पेज पर ये लिखने हैं कि उसके बिल्कुल सामने वाला पेज हमें खाली मिल जाए और हम उस पे सेंटेंसेस को लिख सकें। अभी हमने बहुत तफसील से सेंटेंसेस को बनाने का तरीका सीखा है, अब आप एक एक वर्ड का सामने सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहला वर्ड आपके पास है ट्रैश, सेकंड वर्ड है आपके पास हीप, पहले ट्रैश का सेंटेंस यहाँ लिखेंगे, फिर
फिर हीप का सेंटेंस यहाँ लिखेंगे। वर्ड नंबर 3 है हाई स्पिरिट्स, मैंने उस वक्त बताया था ये भी एक ही वर्ड है, इसका यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे। फिर चैटिंग एक ही वर्ड है, यहाँ सेंटेंस बनाएंगे। फिर रैपर इसका यहाँ सेंटेंस बनाएंगे। एंड लास्ट में रियलाइज इसका यहाँ पर सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड अबाउट सेंटेंसेस मेकिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस। आज की इस क्लास का इख्तिताम होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस भी हो गई होगी और आपको स्पीकिंग में भी कुछ ना कुछ थोड़ी सी हिंट्स मिल गई होंगी। आई स्ट्रॉन्गली एडवाइस यू टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू मे लीव अस अ मैसेज। इंशाल्लाह वी विल गिव यू इमीडिएट फीडबैक। स्टूडेंट्स, आप बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको सेंटेंसेस बनाने का बहुत ज़्यादा तरीका आ जाए, आप सीख जाएँ। और किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है सेंटेंसेस बनाने में, तो आप रابطہ कर सकते हैं स्कूल में और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द मैसेज के ज़रिए से फीडबैक मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।